अरे अगी थोड़ा सा और खा लो ना। अरे यार मेरा तो पेट फट गया। ए दोस्तों, आज मैं डोरेमोन नोबिता के घर पे पार्टी करने के लिए, और मैं पार्टी कर भी चुका हूँ। वैसे पार्टी हमारी रात की थी और रात को हमने खूब धूम धड़ाका करा, और अब हो चुकी है सुबह, लगभग सुबह होने वाली है। और ये क्या, ए सिंचन सो रहा है क्या? बे सिंचन उठ जा, अभी अपन को घर जाना है, नहीं तो भैया बैंड बजा देंगे हमारी। अरे यार सुबह जाना ना, अभी क्यों जाना है तुम दोनों को? अरे यार नोबिता क्या बताऊँ मैं, भैया को पता चला कि हम नाइट आउट कर रहे थे, तो भैया हमारी धुलाई कर देंगे। अबे सिंचन उठ जा, क्या कर रहा है बे, ए उठ। अरे यार सोने दे रहे, अरे क्या कर दिया कि भैया थोड़ा सा सोने दिया करो ना यार। अरे यार अपने घर पे सोना, ए पार्टी बहुत हो गई, चलो अब चलते घर पे। अरे यार बहुत ही बढ़िया लगा वैसे डोरेमोन नोबिता का घर। अरे यार चलो बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हम आपको अगली पार्टी में। यही क्या बात है, अगली पार्टी में भी फिर आएंगे क्या? अबे और कितनी पार्टी करूंगा मैं, पागल हूँ क्या? अबे ये चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम पार्टी करेंगे और तुम्हें बुलाएंगे। अरे तुम मेरी सुनो ना अगी, तुम तो बर्गर ले जाओ पैक करा के। अरे ये क्या, डोरेमोन संभल के, सारा बर्गर तो हमने खा लिया, अब क्या पैक करूँ, डब्बा खाली लेके जाऊँ क्या? अरे क्या बात कर रही हो, तुमने मेरा डोरा केक भी खा लिया क्या? अरे डोरा केक वो तो मैंने खा लिया, बहुत ही टेस्टी था। ये अब यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो डोरेमोन गुस्सा हो जाएगा। अरे यार ये क्या, तुमने डोरेमोन का डोरा केक कैसे खा लिया? अरे यार वो फ्रिज के अंदर छुपा के रखा था और मेरी नज़र पड़ गई। अरे तो यार सब भागते हैं, नहीं तो डोरेमोन गुस्से में पागल हो जाएगा और हमारी पिटाई भी कर देगा, भागते यहाँ से। सही कहा आगे भैया, नहीं तो हम यही फंस के रह जाएंगे। अरे यार लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया सिंचन। अरे यार मेरे को बहुत तेज की भूख लग रही थी, ये डोरा केक बहुत ही टेस्टी होता है। अरे यार सही कहा, डोरा केक तो होता बहुत ही टेस्टी है। अरे यार क्या बात है, हम फाइव ऊपर बहुत ही ऊपर से। अरे यार ये कितने फ्लोर बना हुआ है, ये डोरेमोन नोबिता ने कितना फ्लोर बना रखा है वैसे? ए घर तो काफी बढ़िया डोरेमोन नोबिता का। तो दोस्तों आप बताओ यार कमेंट में, डोरेमोन नोबिता का घर आपको कैसा लगा? ए मुझे तो काफी अच्छा लगा। और अपनी येरी दमदार बाइक, और हम निकलते हैं भैया से, भैया के जगने से पहले हम पहुंच जाएंगे घर पे। यही सही कहा होगी भैया, फटाफट से पहुँचते। ए लेकिन यहाँ से तो बहुत टाइम लगने वाला है, अपना घर बहुत दूर है, मुझे लगता है जब तक तो सुबह हो जाएगी। ए भैया उठ जाते हैं सुबह सुबह जिम करने के लिए जल्दी। ये तो सही कहे, आज तो वो हमारे डंबल बना के उठाएंगे। अरे यार अब क्या करूं मैं, भैया को पटाने का एक ही रास्ता है, हमें भैया के लिए बर्गर लेके जाना पड़ेगा। ये तो तुमने सही कहा, बर्गर, ए बर्गर नहीं पिज्जा ले चलो, पिज्जा भैया का फेवरेट है। अरे यार सही कहा, बॉब और जैक भैया को बटाना है तो बर्गर लाना पड़ेगा। चलो पहले यहाँ पे बर्गर खरीदने चलते। अरे बर्गर नहीं पिज्जा बोलते इसको। अरे हाँ वही पिज्जा लेने चलते। ए देख रहे हो दिन निकल गया, अब तो दिखने भी लगा। अरे यार जल्दी कर रहे होगी भैया, क्या कर रहे हो, 7 बज गए। अरे यार अभी कितना जल्दी करूँ, उड़ा के लेके जाऊँ क्या? बाइक ही है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं मेरे पास में। अरे चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेंगे। वो रहा शॉप। ये शॉप कहाँ गई, हट जाओ मेरे आगे से। ये फाइनली हम शॉप पे आ गए। मैं ऑर्डर दे के आता हूँ पैक करा के। वैसे इतनी सुबह के टाइम तो मिल जाना चाहिए पिज्ज़ा में। कोई है क्या वहाँ पर? हाँ बोलिए सर। अरे मुझे पिज्ज़ा पैक कराना है। हाँ सर थोड़ा वेट करिए, हम पिज्ज़ा बना देते आपके लिए। चलो ठीक है। सिंचन मैंने ऑर्डर दे दिया, पिज्ज़ा थोड़ी देर के अंदर रेडी हो जाएगा, फिर हम लेके चलते हैं घर पे। अरे ठीक है अगे भैया, तब तक हम यहाँ पे वेट कर लेते। अरे यार सही कहा यार। ए क्या मस्त शॉप है वैसे। अबे अड़िया से टोपी बाज, अबे मेरे को क्या बोला तूने? अबे जाना सुबह सुबह क्या मेरा दिमाग खराब कर रहा है। हमारा ऑर्डर रेडी हो गया। हाँ सर हो गया तुम्हारा ऑर्डर रेडी। फाइनली हमने पिज्ज़ा और बर्गर ले लिया है। बर्गर वैसे मेरा फेवरेट है और सिंचन का फेवरेट पिज्ज़ा है। तो दोस्तों आपका कौन सा फेवरेट है, बर्गर या पिज्ज़ा, फटाफट से कमेंट में बताना। और यहाँ पे अरे यार इस पिज्जा वाले ने कितना टाइम लगा दिया, अरे 8 बज गई। अरे यार 8 बज गए और भैया ने एक भी बार कॉल नहीं किया। सही टाइम है, लगता है भैया सोकर उठे नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, जय भैया 8 बजे तक सोएंगे। अरे ये क्या, अरे अपने घर के सामने पुलिस की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? ये पुलिस की गाड़ी यहाँ क्या करने आ गई? अरे यार मुझे क्या पता।
अरे यार ये पुलिस की गाड़ी वैसे सुबह सुबह हमारे घर के सामने, आखिरकार पंगा क्या हुआ? ऐ चलो घर में देखती होगी भैया आखिरकार चल क्या रहा है। ए जैक भैया, भैया क्या हुआ, पुलिस क्यों आई है घर में? ए आओ डाकच की हो गई, तू कहा था? ए मैं तो पार्टी में था। आओ पार्टी में था, ये देख अरे जैक मिल नहीं रहा है। ए जैक भैया नहीं मिल रहे, क्या बात कर रहे हो? ओ तुम दोनों कौन हो ये बताओ पहले। ए मैं जैक भैया का दो छोटा मुन्ना हूँ। ए क्या छोटा मुन्ना मतलब क्या होता, अपना नाम बता। ए मेरा नाम है होगी और ये सिंचन है, हम दोनों जैक भैया के भाई हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये बताओ तुम कल कहाँ थे? अरे यार कल तो हम पार्टी में गए थे। क्यों सिंचन, मैंने सही कहा? सही कहा अंकल, हम दोनों पार्टी में गए थे और अभी हम आ रहे हैं वहाँ से। आओ ढाकच की, तूने मेरे को एक भी बात नहीं बताया, पार्टी में अकेला अकेला चल के हचकचके। यार अभी यार ये सीरियस बात ये नहीं है, सीरियस बात ये कि जैक भैया गए तो गए कहाँ पर? आओ ढाकच की, तूने पार्टी में क्या क्या खाया? अरे यार ये भैया का दिमाग फिर गया क्या? अभी पार्टी में तुम्हें मैं भेज दूंगा पीट पीट के। अरे ये क्या तुम लोग आपस में बहस करना बंद करोगे और हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो आखिरकार। भाग जाए यहाँ से लॉस सैंटोस की नल्ली पुलिस। अबे क्या बोला तूने? हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तेरा केस हमने दर्ज कर लिया है। प्रेसिडेंट का कॉल आया था, हमें जल्दी जाना है प्रेसिडेंट के घर पे। और ये नल्ले टल्ले हमें पन को केस नहीं लेने, इनका केस हमने फाइल तो कर दिया लेकिन हम काम नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट के पास जाना है। मुझे नहीं लगता लॉस सैंटोस की नल्ली पुलिस कुछ करने वाली है। अब हमें ही ढूंढना पड़ेगा, भैया मिसिंग है। वैसे भैया आखिरकार गए तो गए कहाँ होंगे और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे ऐसे ही कर, आओ ढाकुच के रात में मैं तो परसों था और जैक नीचे। नीचे आखिरकार जैक भैया गए तो गए कहाँ पर होंगे? आओ मुझे लगता है जैक कहीं घूम तो नहीं होगा, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। यार हमारे पास है क्या यार, चिल्लर रुपए अपने पास है यार। अपने पास बिल्कुल भी डॉलर नहीं है, कोई किडनैप क्यों करेगा जैक भैया को? अरे यार मुझे बहुत ही डर लग रहा है, आखिरकार जैक भैया के साथ क्या हुआ होगा? दोस्तों हम लोगों ने पूरा घर छान मारा लेकिन भैया का कुछ भी पता नहीं चला। अभी मेरा एक साइड का एरिया रह चुका है, अब मुझे इधर भी ढूंढ लेता हूँ, शायद भैया इधर ही कहीं पड़े हो। दोस्तों कोई ना कोई सुराग तो मिल जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि जैक भैया गए तो गए कहाँ पर। ये अगर यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो मुझे पता नहीं चलेगा जैक भैया आखिरकार गए तो गए कहाँ पर। ये सिंचन और बॉब अभी भी लगे पड़े घर को ढूंढने में। अरे बाप रे ये क्या, यहाँ पे तो ब्लड लगा है वॉल पे। ये देखो सिंचन, यहाँ पे वॉल पे ब्लड लगा है। अरे यार ये ब्लड तो जैक भैया का ही, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि जैक भैया मर गए। अरे सिंचन कुछ भी मत बोल भाई, लगता है जैक भैया को किसी ने मारा है, लेकिन बॉडी कहाँ गई? जैक भैया गए तो गए कहाँ पर? कोई यहाँ से आया हो ऐसा लग रहा है मुझे। अरे यार पता नहीं क्या चक्कर है। अरे यार आखिरकार जैक भैया गए तो गए कहाँ पर? अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अरे यार होगी भैया टेंशन, मतलब पुलिस हमारे जैक भैया को ढूंढ लेगी। अरे यार पुलिस क्या ढूंढेगी। अरे अरे ये देखो यहाँ पे कुछ मुझे मिला, ये क्या रखा इधर? अरे ये देखो होगी भैया यहाँ पे एक नाइफ रखा है जिसपे ब्लड लगा पड़ा है। ये लगता है इस नाइफ से जैक भैया का किसी ने मारा होगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो, किधर है? ये क्या खूनी खंजर, ये खंजर यहाँ क्या कर रहा है? बाप रे भैया का खून इस पे लगा पड़ा है। आओ ढाकच की, अब तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे यार इधर आओ, ये देखो ब्लड इधर भी लगा पड़ा है थोड़ा सा। लगता है जैक भैया को किसी ने मारा और जैक भैया यहाँ से भागते जा रहे थे और उनके हाथ वगैरह में ब्लड लगा होगा और उन्होंने इधर उधर टच करा होगा जिससे ब्लड मुझे लगता है लगते गया और हमें सुराग मिल रहा है। ये ब्लड थोड़ा इधर भी लगा है। ए सिंचन जल्दी आओ, आओ डाक कुछ के आ रहा हूँ। ए जल्दी आओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ए ब्लड इस साइड भी लगा वॉल पे, लगता है भैया इधर तक आए थे लेकिन इसके बाद भैया इधर गए और इधर गए, फिर इधर से मुझे अब निशान आगे कहीं नहीं दिख रहे आखिरकार। अरे भैया गए तो गए कहाँ पर? ये क्या नीचे इतना सारा ब्लड, ये क्या है? बाप रे बाप, वो कौन है नीचे? अरे वो तो जैक भैया, भैया भैया ये भैया भैया मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला लेकिन ये क्या, भैया को किसने मार दिया?
अरे यार मत जाओगी भैया, जैक भैया को कुछ नहीं होगा, लगता है इनका बहुत सारा खून निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी सरवाइव कर रहे। जैक भैया नहीं बचे यार, अब मैं क्या करूँगा। अरे क्या बोला तुमने, भैया की अभी भी सांसें चल रही हैं क्या? अरे सही कहा, और मैंने एम्बुलेंस को भी बुला लिया है, अब हमें जल्दी लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। अरे यार एम्बुलेंस आ गई। मोमेंट्स लेटर। आओ डाक कुछ की होगी, टेंशन मत ले, हम दोनों सिंचन और मैच इसका ख्याल रखेंगे। अरे हाँ सही कहा, वैसे अब जैक ज्यादा सीरियस नहीं, हम इसे बचा लेंगे। चलो ठीक है, वाह भैया ध्यान रखना यार जैक भैया का। आओ टेंशन मत ले, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर चिकी। यार फाइनली भैया तो गए हॉस्पिटल में और भैया बच चुके हैं वैसे, लेकिन भैया के साथ आखिरकार किसने किया उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे मदद लेनी पड़ेगी, अब मैं जा रहा हूँ जादुई बाबा से मिलने के लिए, वही मेरे सवालों के जवाब देंगे। जादुई बाबा के अलावा मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता है। अब तो मैं बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, अब मैं उस छोड़ूंगा नहीं जिसने भी जैक भैया की ये हालत की। फाइनली मैं वहां पर आ चुका हूँ जहाँ पे जादुई बाबा मिलते हैं। बाबा किधर हो? ए बाबा इधर हो क्या? ए किधर किधर? बोलो बच्चा क्या, मैं जानता हूँ तुम किस काम से आए हो। ए बाबा तुम जानते हो तो बताओ यार, अब मैं क्या करूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई को किसी ने मार दिया है, और तुम चाहते हो मैं उस क्रिमिनल का पता लगाऊं। सही कहा यार, लेकिन मैं नहीं लगा सकता हूँ, मेरी विद्या आज के डे पे रुक जाती है। अरे यार तो बाबा मेरी खुश तो मदद करो यार। चलो ठीक है, इतनी तुम बोल रहे तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा डोर लेकर आता हूँ जिसपे तुम जिसको भी खड़ा करोगे उसका तुम पास्ट जान सकते हो। यही है क्या वो? ये डोर तो नहीं लग रहा मुझे कहीं से भी। अरे ये डोर नहीं, ये केज है, इस पे भी वही काम होगा, और बस तुम्हें ये मंत्र बोलना है, बूम चिक चिक बूम। अरे यार ये मंत्र तो मैंने सुना सुना लगता है, बूम चिक चिक बूम बोलूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि सामने वाले ने क्या किया है अगली पिछली रात में। हाँ ठीक है बच्चे, जा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। चलो बाबा की दुआ मिल गई, अब मुझे चलना चाहिए, यहाँ पे बाबा का ये गेट काम कर जाएगा। फाइनली दोस्तों इसे मैंने अपने सीलिंग पे लगा दिया, और मुझे जिन पे भी शक है मैं उनको अब कॉल करके बुलाने वाला अपने घर पे, और वो ऐसे नहीं आने वाले, अगर जिसने मर्डर करेगा तो मुझे लालच देना पड़ेगा। कॉल करके मैं बोलता हूँ कि मेरा बर्थडे है और मैंने यहाँ पे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा और बहुत सारा बर्गर मंगा रखा है। ये सब खाना सुन के सारे के सारे नल्ले दौड़े चले आ जाएंगे। फाइनली मैं सबको मैसेज भेज देता हूँ यार ग्रुप में। मुझे लगता है माइकल ट्रेवर या तो पप्पू सुपारी का काम हो सकता है। तो दोस्तों मैंने सबको मैसेज डाल दिया है और यहाँ पे थोड़ी देर में रात होने वाली है और काफी टाइम हो चुका है मैसेज डाले हुए, अब मुझे लगता है सारे के सारे आ चुके होंगे। चलो दोस्तों बाहर देखते हैं। ये ओगी क्या काम है बता? अरे यार माइकल गुस्सा नहीं करने का। पार्टी वैसे है कहाँ पर, लेकिन लग नहीं रहा पार्टी है। ये क्या पप्पू सुपारी तुम नहीं हो, तुम कौन हो? मैं पप्पू सुपारी का असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट ऐसे बोल रहा है जैसे पप्पू सुपारी ऑफिस में काम करता है, गुंडा कहीं का। ट्रेवर ये क्या नया ट्रक ले लिया क्या? अरे हाँ मैंने नया ट्रैक्टर खरीद लिया है। और पार्टी कहाँ है? पार्टी तो अभी मैं तुम लोगों तीनों की पार्टी निकालता हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अब तीनों के तीनों यहाँ से मेरे साथ चलोगे और मेरा कहना मानोगे। अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या तू? ओ भाई आगे नीचे गन रख। माइकल मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम तीनों में से कोई भैया का कातिल है। अबे क्या बात कर रहा भाई, जैक मर गया क्या? अरे जैक मरा नहीं, भैया मेरे भी जिंदा है, लेकिन तुम तीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई ये तो बता मैं करना क्या है? अरे यार सिंपली तुम लोगों को इसके अंदर जाके खड़े होना है। अबे ये क्या, इसमें से मैजिक निकल रहा है, मैं नहीं खड़ा हूंगा। नहीं खड़ा हुआ तो भून दूंगा घन से, चल जल्दी इसके अंदर जा। जाता है कि नहीं जाता, सुन रहा है मेरी बात? अबे भाई मुझे डर लग रहा है, इसमें कैसा मैजिक चल रहा है, पहले ये तो बता क्या होगी भाई। बाद में बताऊंगा, पहले तू खड़े जा। अबे भाई आ गया, बता क्या करना है? इसी में खड़े रह चुपचाप। तो दोस्तों जैसे मुझे बाबा ने बताया था, बूम चिक चिक बूम बोलना है। बूम चिक चिक बूम।
आज तो यार मुझे जाना है, मेरी बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है और यार मैं मिस नहीं कर जाना चाहता, काफी लेट हो चुका पहले ही। अरे ये क्या लग रहा है जैसे माइकल कहीं पे जा रहा है अर्जेंट मीटिंग में। वैसे यार माइकल घर क्या रहा है? अरे यार मुझे बहुत ही अर्जेंटली मीटिंग में पहुंचना है, बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्ट्रैक्ट यार बहुत ही बड़ा है, अगर मैं पहुंचा नहीं तो मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे डूब जाएंगे। हे यार माइकल ने तो मुझे बोला था कि वो अपने फैमिली के साथ घर पे था, लेकिन ये क्या उस रात को माइकल ये क्या कर रहा है? ये माइकल आखिरकार जा कहाँ रहा है गाड़ी लेके? ये तो मुझे लग रहा है बार वाला एरिया, यहीं कहीं बार होता है यार। ये क्या बे बाप रे बाप, ये माइकल बार में ही जा रहा है आखिरकार? एक नंबर का पियकड़ है क्या माइकल, करने क्या जा रहा है? गुड मॉर्निंग सर, सर आपका वेलकम है, अभी चिरकुट जल्दी से कार को पार्क पे लगा दे, अभी जा रहा मैं। ये अंदर तो आ गया, आखिरकार ये कर क्या रहा है? अरे चमिया आ, तुम्हारा बॉस आ गया क्या? बॉस तुम्हारा कब से वेट कर रहे हो और तुम अब आ रहे हो? अरे यार आज मैं लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं यार, अगली बार जल्दी आ जाऊंगा। ये बता बॉस है कहाँ पर? अरे बॉस अपने ऑफिस में है, जल्दी जाओ नहीं तो वो बहुत ही गुस्से में आ चुके हैं। अरे यार ये क्या यार, वो चाइनीज से गुस्से में आ गया, मुझे कैसे भी करके अब उससे मनाना पड़ेगा यार, इतना सारा मेरा उससे डील है, अगर उसने मुझे पेमेंट नहीं करी तो मेरा बहुत ही नुकसान होने वाला है। अबे किधर है ये, चलते फटाफट से। अबे भाई बॉस किधर हो? बॉस अबे तेरे को क्या हुआ, क्यों भाग रही है? अबे ये चलते यहाँ से, ये बिड़ू लोग, ए अपुन से डरने का क्या? ए बॉस कैसा रहे तू? अबे तू अभी आ रहा है, मैंने तेरे को शाम को बुलाया था, रात हो गई। अरे बॉस सॉरी सॉरी यार बॉस, आज लेट हो गया, फैमिली में टाइम लगाना पड़ता है यार, मतलब कि टाइम देना पड़ता है। अबे ये देख इतना सारा ड्रग रखा है, इसको जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अरे यार बॉस ये तो चुटकियों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और मेरी पेमेंट का क्या? हे माइकल तो क्रिमिनल नहीं निकला, उस रात तो माइकल ड्रग डीलिंग कर रहा था। माइकल ये तो बहुत ही बुरी बात है, तुमने बोला था बिजनेस में आ अपने घर पे और तुम तो ड्रग डीलर निकले। अबे भाई ये सीक्रेट भाई इसको रिवील नहीं करना, ना पुलिस को बताना। अरे यार चलो ठीक है, अब ट्रेवर तुम्हारी बारी आती है। माइकल तुम हट जाओ, तुमने जैक भैया को कुछ भी नहीं करा, ट्रेवर तुम आ जाओ। ओगी भाई यार तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? मैं यार चल तेरे लिए मैं जाता हूँ यार, फिर भी जैक का मैं भी जानना चाहता हूँ आखिरकार किसने मर्डर किया। अरे मर्डर नहीं हुआ, बच गए जैक भैया। अबे ओगी भाई मैं उस रात को अपना ट्रैक्टर बाय करने गया था, जो यार मैं ले कर आया यहाँ पे। वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना। फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं ट्रेवर के पास में, और यहाँ ये ट्रेवर कर क्या रहा है, ये अंधेरे में जा कहाँ रहा है वैसे? आज तो मैं यार यहाँ पे नया ट्रैक्टर लेने आया हूँ, लेकिन ये क्या बाप रे बाप, ये अबे भाई इसके पास तो वेपन है। यहाँ पे यार गांव में बिल्कुल भी लाइट बहुत ही कम होती है, रोड पे तो अंधेरा ही अंधेरा रहता है। चल यार इसीलिए मैं अपने पास टॉर्च हमेशा रखता हूँ अंधेरे में। और ये ओ भाई गैरेज वाले बंदा कहाँ गया तू? अबे भाई तूने मुझे कॉल करा था, बाहर निकल। अबे नीचे देख, इधर नीचे नीचे इधर। अबे भाई तू नीचे क्या भाई, ये कर क्या रहा है तू? अबे ये तूने यही ट्रैक्टर जो बनवाया था ना उसको सही कर रहा हूँ। अबे इसके ट्रैक्टर को क्या हो गया? अबे अच्छा भाई यही ट्रैक्टर तू सेल करना चाहता है, ओ इसीलिए तूने मुझे कॉल करके इतनी अर्जेंटली यहाँ पे बुला लिया। अबे हाँ सही कहा, ये ट्रैक्टर मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें खराबी थी उसको मैंने फिक्स कर दिया, अब ये बताए ट्रैक्टर तू खरीदेगा कि नहीं? अबे सही दाम लगाएगा तो मैं ले लेगा इसको और अपने घर लेकर जाएगा। अभी दाम बता कितना इसका दूँ? ये 10,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। अबे 10,000 में इसका व्हील मिलेगा खाली, जाए दाम थोड़ा ऊंचा कर। अबे ठीक है मैं अपना दाम ऊंचा करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 देगा इसका, 15,000 में डील डन और ये ट्रैक्टर अब होता है मेरा। अबे पैसे तो देते जा, कहाँ जा रहा है? अरे पैसे बाद में लियो, सुबह अभी मेरे पास पैसा नहीं है, रात में पैसा लेके आऊँगा, पागल है क्या? अभी जा रहा हूँ मैं इस ट्रैक्टर को लेके। अच्छा ठीक है सुबह दे जाइयो। हाँ ठीक है, तो फाइनली मेरे को ये ट्रैक्टर तो मिल गया, काफ़ी बढ़िया, अभी चलते यहाँ से घर की ओर। हे दोस्तों ड्राइवर तो यार उस नाइट में इस ट्रैक्टर को बाय करने आया था, और यार उसने सही बताया था कि वो ट्रैक्टर रात में ख़रीदने आया था। वैसे बहुत ही बढ़िया टाइम है, रात में कौन यार ट्रैक्टर ख़रीदने आता है, और ये सीधा डायरेक्ट अपने घर पर आ गया। चलो आगे देखते क्या करेगा।
यहाँ पे ही अपने घर पे आ गया, फिर ये टॉर्च क्यों जला रहा, पागल हो गया क्या भाई? अरे बाबा ठीक हो ना? बाबा खाना तैयार है? हाँ बेटा जाओ खाना खा लो। ए चल ठीक है मैं खाना खा के आ रहा हूँ। बाबा तुमने खा लिया ना? हाँ बहुत तेज की पोटी है पहले। ए नहीं नहीं नहीं, बस मुझे बस इतना ही देखना था। यहाँ पे ट्रेवर भी सेफ है, ट्रेवर ने भी कोई क्राइम नहीं किया और जैक भैया को इसने हार्म नहीं किया, तो ट्रेवर तुम सेफ है। अब यहाँ पे पप्पू सुपारी के चेले, तेरा नाम क्या, पहले अपना नाम बता। मेरा नाम है अंडर, मुझे लोग बोलते प्यार से अंडरटेकर। ए अंडरटेकर, WWE का अंडरटेकर? ये पार्ट टाइम काम करने लगा क्या पप्पू सुपारी के पास में? ये बता मुझे। लेकिन मैं कैसी भी मशीन में नहीं जाऊंगा। अबे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? वे भागने का नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है, रुक बताता तुझे, रुक जा। अरे मैं नहीं जाऊंगा उस मशीन में, मुझे अपना पास्ट नहीं दिखाना कि मैंने कल रात को क्या किया है, भाग यहाँ से। ए रुक जा, नहीं तो पैर पे गोली मार दूंगा। ये तो रुक ही नहीं रहा। ए इसके पैर पे मुझे गोली मारनी पड़ेगी। मैं तेरे पकड़ में नहीं आऊंगा, मुझे उस मशीन पे नहीं जाना। अबे रुक जा, मैं सही में शूट कर दूंगा, मजाक नहीं कर रहा। अबे नहीं मानेगा, रुक बताता तुझे। ए लगता है इसने कुछ गड़बड़ करी है। अबे बता रहा हूँ, अभी रुकेगा नहीं, अभी नहीं रुकाना, तू तो गया, ये ले। आखिरकार इसको तो पकड़ लिया मैंने, भाग रहा था नल्ले कहीं के। अबे मेरे पैर में गोली मार के तूने अच्छा नहीं किया, देख लूंगा तुझे। ए दोस्तों आखिरकार ये भाग क्यों रहा था, लगता है इसने कुछ गड़बड़ करी है, चलो हमें इसका फा पास तो देखना ही पड़ेगा। आखिरकार इसने पास में क्या किया है, चलो बोलते हैं बूम चिक चिक बूम। इतना सारा मैंने पैसा कमा लिया, आप पप्पू सुपारी भाई तो मेरे से खुश होंगे, लेकिन अकाउंटेंट ने बताया इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, आखिरकार यह बता मुझे जैक से तुमने वसूली की कि नहीं की? अरे साहब उसका काम तो अपने अंडरटेकर को दिया था। अबे तेरी आवाज को क्या हुआ, ये पिचकी आवाज क्यों निकल रही तेरी? अरे ये किसी ने मेरे को मुक्का मार दिया गले पे, इसलिए मेरी आवाज ऐसी हो गई। अबे चल ठीक है, अंडरटेकर को बुला, कहाँ गया वो नालायक कहीं का, हमेशा नालायक पंती करता है, उसे मैंने एक काम दिया उसने एक काम नहीं किया। और उसने अभी तक उधारी नहीं दी, उसने बोला था कि जल्दी दे देगा, लेकिन अरे ठीक है मैं भी बुला के लाता हूँ अंडरटेकर को, ठीक है? हाँ जाओ उस नल्ले को बुला के ला, आखिरकार वो है कहाँ पर? अरे ठीक है, वो मुझे लगता है बाहर की साइड सुट्टा मार रहा होगा, एक नंबर का नालायक है। मुझे गुस्सा रहा है। अरे कहाँ गया अंडरटेकर, कहाँ पर है तू? अबे बोल क्या हुआ बिड़ू, ये तू भी सुट्टा मारेगा क्या मेरे साथ में, ये ले। अरे तेरे को सर बुला रहे, तूने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, तुझे जैक का काम दिया था लेकिन तूने उसका उधार नहीं लिया। अबे ये बता तेरी आवाज को क्या हुआ, ले सुट्टा लगा पहले तू। इसको क्या मोटे को काम पड़ गया, अभी जो जैक ने उधारी ली थी तो उससे हमें लेना था, वो तो मैं बिल्कुल ही भूल ही गया, अभी ये बॉस मुझे डांटेगा। अबे गधेड़े अंडरटेकर, मैंने तुझे क्या बोला था? ए बॉस क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अबे ये सारा पैसा पप्पू सुपारी के अकाउंट में जमा करवाना है और तूने अभी तक जैक से वापस पैसे नहीं लिए। अरे भूल गया ना सर। अबे तूने क्या बोला, भूल गया? हमारे धंधे में भूलना जैसा कुछ भी नहीं होता, अब ये ले। अरे अरे सॉरी सर सॉरी सर, अभी मैं जाता हूँ अभी जाता। अबे नल्ले जल्दी उठ और अभी जा, तुरंत ही जा और उससे पैसे लेकर आ जो कि उसने उधार हमसे लिए थे। अरे सर माफ़ कर दो, अभी मैं जा रहा उससे पैसा लेकर आता हूँ। और ये क्या तूने पी भी रखी है क्या? अरे मैंने नहीं पी रखी, मुझे माफ़ कर दो, अभी मैं जा रहा हूँ और उससे पैसा लेकर आता हूँ। बिल्कुल सर मुझे निकालना नहीं। अबे निकालने की दूर की बात है, मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने काम ढंग से नहीं किया तो। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी मैं जा रहा, काम अच्छे से करेगा मैं। वो जैक बिल्ले के चक्कर में मुझे सर से पिटना पड़ गया, अब उस बिल्ले की खैर नहीं, अब उस बिल्ले की बहन बचाऊंगा। मैंने उसे कॉल करके बोला था कि पैसा यहाँ पे लौटा दियो, लेकिन उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, अब बिल्ला मेरे हाथों से बचेगा नहीं और मैं पैसा भी ले लूँगा। लगता है मेरे को ज्यादा ही चढ़ चुकी है, लेकिन कोई नहीं, वो बिल्ला बचेगा नहीं मेरे बातों से। आखिरकार बिल्ले ने मेरी बात नहीं सुनी, अब उसको भुगतना पड़ेगा मेरा गुस्सा, सर ने उसके चक्कर में मुझे मारा, पहली बार किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब ये बिड़ू बचेगा नहीं, अब इसका खेल खत्म, यहीं बिल्ला रहता है। ए बिल्ला अभी मुझे आराम से आना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन घर के अंदर है।
पिल्ला घर की तलाशी। ए यहाँ देखता हूँ नीचे, मेरे को लगता है बिल्ला होगा। ये क्या, यही वो बिल्ला है मुझे लगता है जिसने पप्पू सुपारी बॉस से उधार लिए थे। आज इस बिल्ले का काम तमाम कर दूंगा, इसे मैंने बोला था कि लौटा दियो। अबे ओए बिल्ले उठ उठ, देख तेरी मौत आ चुकी है। आखिर का तुझे मैंने क्या बोला था? ओए कौन है, आँख और उठा रहा है? अबे तू कौन है? अबे ये क्या चाकू ले गया? अरे बाप रे क्या चाहिए तुझे? अबे मुझे तेरी जान चाहिए, ये ले। अरे बाप रे इसने मुझे चाकू मार दिया, ये आखिरकार है कौन? मुझे भागना पड़ेगा, मुंडा बच्चा मुझे। अबे घर में कोई नहीं है क्या? ये क्या सारे के सारे गायब हो गए? ये बॉब नुबड़ा तो लीड लगा के सोता है। कहाँ जा रहा है बिल्ले, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा ब्लड सारा निकल रहा है, भागो यहाँ से। मुन्ना मुन्ना कहाँ पर है तू? ए यार भैया, काश मैं उस टाइम भैया के पास में होता। ए संडे टेकर के बच्चे ने भैया को आम करा था। ए भैया मुन्ना, लगता है मैं बचूंगा नहीं, ये मुझे मार देगा। आखिरकार वहाँ से तो भाग कर आ गया, लेकिन मेरा ब्लड निकलते जा रहा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कहीं छुपना पड़ेगा। आखिरकार उसने मुझे फिर देख लिया तो मुझे वो मार देगा। मेरा ब्लड काफ़ी निकल गया। वैसे वो कौन था और मुझे मारने क्यों आया, मुझे यह भी नहीं पता। अब तो मेरे दम निकल चुका है, बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी चलने की, यही आराम कर लेता हूँ। हे भैया भैया, ये तुम्हारे साथ ये क्या क्या इसने? मुन्ना, अबे कहाँ गया ये बिल्ला, कहाँ भाग के चले गया? भैंस के टाट पूरा अंधेरा, पता भी नहीं चल रहा आखिरकार बिल्ला गया तो गया कहाँ पर। ए यहाँ पे ब्लड गिरा पड़ा है थोड़ा, लगता है यहीं कहीं बिल्ला छुपा पड़ा है। अबे बिल्ले बाहर निकल, आज तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत ही ज्यादा पी ली मैंने, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये मैं जा रहा हूँ, अबे हट जा। ये क्या, पी के गाड़ी चलाना बहुत ही जोखिम है। वो गधा कहीं का, ये पी के गाड़ी चला रहा था उसने मुझे ही उड़ा दिया, और मेरा नाइफ भी खो गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। मेरे इंजर्ड हो चुका, मुझे फटाफट से निकलना पड़ेगा इससे पहले कोई पिल पुलिस को बुला ले। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। हे अंडरटेकर बच्चे, तूने भैया को मारा था, मैंने सब देख लिया। अरे नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। हे मैंने देख लिया तेरा पास, तू कल कहाँ पे था? ये ले गोली पे गोली खा। अब तू बचेगा नहीं, ये ले। अरे बहुत ही बढ़िया करा यार अंडरटेकर, जो भी था पप्पू सुपारी के लिए काम करता था। तूने जैक भैया को कैसे मारा? ये ले, तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार इसका खेल खत्म कर दिया, और सॉरी माइकल ट्रेवर यार, मैंने तुम दोनों पे भी शक कर लिया। और ये क्या, भैया भी अब ठीक हो चुके हैं? अरे यार कोई बात नहीं होगी यार, ये बता बर्थडे तेरा कब है? अरे यार वो तो बस प्रैंक था तुम दोनों को बुलाने के लिए, मेरा कोई बर्थडे नहीं है। अबे क्या बात कर रहा है यार, वैसे बता असली बर्थडे तेरा कब आएगा? हे जब आएगा मैं कॉल करके बुला लूंगा। हे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो यार।